आज सचिन पायलट ने टोंक का दौरा किया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार के बजट में की गई बड़ी घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन घोषणाओं को पूरा करने की कोई ठोस रूपरेखा नजर नहीं आ रही है। पायलट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बजट आ चुके हैं, लेकिन इनमें महंगाई को कम करने के उपाय ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई है। पायलट ने कहा कि आरसीपी के मुद्दे को केवल चुनाव के समय उठाया गया। उन्होंने मांग की है कि इस राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग से बजट दिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान को नजरअंदाज किया जा रहा है। पायलट ने स्पष्ट किया कि उनका बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन केवल दो राज्यों को 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जो कि अन्य राज्यों के हितों को छीन कर किया गया है। पायलट ने आरोप लगाया कि यह सरकार बचाओ बजट है और इसका उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना है। उन्होंने कहा कि जनता यह सब समझ रही है और सरकार से इसका जवाब भी मांग रही है। सचिन पायलट ने तहसील कार्यालय टोंक में प्रतीक्षालय कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैर व पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी और कांग्रेस नेता हंसराज फागना भी मौजूद रहे। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, अनुशासन की कमेटी है और संहिता से बात करके पार्टी का निर्णय होगा किसको कहां पे स्थान देना है। लेकिन मैं मोटे रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से सरकार केंद्र में चलाई है और अब यहां पर राजस्थान में सरकार बनी 8 महीने में। हर तरफ आप देख लीजिए, जो उदयपुर में घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं चूक थी सरकार की, और जब विपक्ष में थे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को, महिला उत्पीड़न हो, बच्चों के साथ अन्याय की बात हो, लूटपाट की घटनाएं हो और अराजकता जो लगातार फैल रही है, इसको कंट्रोल करने में सरकार नाकामयाब इसलिए है क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। वहाँ पता नहीं कि एक्चुअली में सरकार चला कौन रहा है, सब निर्देश दिल्ली से आते हैं और कहीं ना कहीं ये अफसरशाही हावी हो रही है सरकार के ऊपर, ऐसे आम जनता की धारणा बन चुकी है। उनका संज्ञान स्पीकर साहब ने लिया और उस पर जो धारीवाल जी को माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ी मांग ली और उनको जो रूलिंग देनी थी स्पीकर साहब ने दे दी है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल आज भी कायम हूँ, कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन अशोभनीय भाषा शब्दावली का चयन बहुत महत्वपूर्ण है पब्लिक लाइफ के अंदर और सबको उसका संज्ञान लेना चाहिए। नौजवान इस देश का भविष्य नहीं है, वर्तमान है और नौजवान पीढ़ी को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अपने पृष्ठभूमि की पहचान और अपना गर्व होना चाहिए और इस देश में उन शक्तियों को ताकत मिलनी चाहिए जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो ताकतें लोगों को तोड़ना चाहती है वो इस 21वीं शताब्दी के भारत को समझ नहीं पा रहे। और हमारा ये संकल्प है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ के अंदर एक पार्ट प्रस्तुत करना चाहिए। चुनाव के समय अपनी प्रतिस्पर्धा होती है, अपनी बात रखनी चाहिए और विचारधारा के आधार पर, एजेंडा के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर लोग अपनी सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में हैं उनको हमेशा देश के प्रति समर्पित रहकर काम करना चाहिए और नौजवान पीढ़ी आज बहुत जागरूक है, उत्साहित है और देश के लिए कुछ करना चाहिए, उनको संसाधन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि जो परिणाम आए राजस्थान में बीजेपी को बैकबोन हम लोग लेकर आए, हमको हमारे सीएम ने संकट दिखाया और पांचों सीटों पर बीजेपी हारी। जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा, सबसे चर्चा करी जाएगी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, दल निर्णय करता है किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन जो आज माहौल बना हुआ है, जो बेरुखी जनता में हो गई है सिर्फ मात्र 7-8 महीने में भाजपा सरकार से, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी हारी। सीपी को तो सिर्फ चुनाव के टाइम उठाया था, केंद्र सरकार ने जिक्र तक नहीं किया और आज भी जो सदन के अंदर सरकार की तरफ आश्वासन आ रहे हैं उसमें कोई बजट का केंद्र सरकार का प्रोविजन नहीं है। हमने कहा राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दीजिए, वो बिहार को दे सकते हैं, आंध्र प्रदेश को दे सकते हैं और हमारा कोई झगड़ा नहीं है बिहार के आंध्र के लोगों से, लेकिन सिर्फ दो राज्यों को सारा पैसा देकर 1,00,000 करोड़ रुपया दिया है दो राज्यों को, वो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा ये सरकार बचाओ बजट है, बाकी राज्यों का हित छीन के आप किसी और राज्य को दें, सिर्फ पॉलिटिकल झूठे आश्वासन देने का काम करेंगे, उसको जनता समझ लेंगे।